आज हम बनाएंगे बर्गर, वो भी अपना स्टाइल में, एकदम इजी से, एकदम 5 मिनट में बनने वाला। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए पहले एक बन लेंगे, उसको 2 भाग में काट लेंगे, फिर पास्ता पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज और चिली सॉस और टमाटो सॉस और जो ग्रीन चटनी बनता है वो लगा के इसको एकदम अच्छा से ऊपर में मिला लेंगे और लगा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर टमाटो और ऑनियन से थोड़ा टॉपिंग कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को ग्रीन चटनी का रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और उसके ऊपर से हम आलू टिक्की लगा देंगे। और इसको और भी नाम से बोला जाता है बट अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आलू टिक्की का भी अगर रेसिपी चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करके बताइएगा। और फिर आलू टिक्की लगाने के बाद उसके ऊपर से एक चीज़ का स्लाइस डाल देंगे, और चीज़ का स्लाइस डालने के बाद उसके ऊपर से चटनी डाल देंगे। और ये चटनी थोड़ा सा ज़्यादा तीखा हो गया था, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर टमाटो लगा देंगे, अनियन लगा देंगे, उसके ऊपर से केचप लगा देंगे। अगर आप लोगों को कच्चा कैबेज पसंद है तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक और मसाला डाल देंगे, अगर आपके पास मैजिक मसाला हो मैगी का तो आप लोग वो भी यूज कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे मिक्स मसाला यूज कर रही हूँ। ऊपर से फिर बंद करके दोनों साइड से इसको क्रिस्पी क्रिस्पी सेक लेंगे और इसको बीच से काट लेंगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बिल्कुल भी इजी है। थैंक यू, एंजॉय।